बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 आपने उम्मीद है अच्छी तरह से तैयार किए होंगे और उसमें से क्विज अटेम्प्ट किए होंगे। अब लेक्चर नंबर 3 देने के बाद आपका तीसरा क्विज होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अटेम्प्ट आपने पढ़ा है उसमें से जो आपने क्विज अटेम्प्ट किए हैं वो भी क्विज नंबर 3 में आ सकते हैं। लिहाजा लेक्चर नंबर 3 के बाद आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है और लेक्चर नंबर 1 और 2 को भी रिवाइज करना है ताकि आपका जो क्विज हो वो बहुत अच्छा हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आया था। 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 AB एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको करते हैं। सबसे पहले ए क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1 2 A और B। हमने देखें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर निकालेंगे और ए स्क्वायर को किसके इक्वल पुट कर लेंगे? 0 0 0 0 जो कि नल मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री 0 हो से नल मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन हमने जब ए स्क्वायर फाइंड करना है तो उसको 0 0 0 0 की इक्वल कर लेना है और उन दोनों को आपस में हल करके कहां ए और बी की कीमतें निकालनी है। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए। ए की वैल्यू है 1 2 A B मल्टीप्लाई बाई 1 2 A B। अब देखें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इधर से फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो की पहली एंट्री 1 है और फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इधर से सेकंड एलिमेंट, इधर से भी सेकंड। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट ए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड एंट्री को सेकंड से और दरमियान में प्लस। अब इधर से फर्स्ट रो लेंगे, इधर से सेकंड कॉलम। 1 किस से मल्टीप्लाई होगा? 2 से। प्लस 2 किस से मल्टीप्लाई होगा? बी से। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ए मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को सेकंड से दरमियान में प्लस। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री को सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें और सेकंड एंट्री को इधर से सेकंड एंट्री से। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ए मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी। ये आपके पास क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2A। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2B इज इक्वल टू ए प्लस बी ए। ए मल्टीप्लाई बाई 2 2A प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गए? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं? ए स्क्वायर की वैल्यू 0 बट इट इज गिवन दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1। कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक ए स्क्वायर हमने फाइंड किया और एक ए स्क्वायर के बना है। देखें दोनों को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड आपस में इक्वल तो राइट साइड आपस में इक्वल। इसका मतलब है 1 प्लस 2A 2 प्लus 2B A plus B A और 2A plus B square इज इक्वल टू 0 0 0 0। दोबारा देखें हमें ए स्क्वायर हमें ए गिवन है और ए स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स के इक्वल है। हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई ए
एक ए स्क्वायर हमने फाइंड किया और ए स्क्वायर जो उसने दिया 0 0 0 0, दोनों को कंपेयर करें, दोनों देखें ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल तो राइट हम आपस में इक्वल कर लेते हैं, आप देखें दोनों इक्वल हैं तो 1 + 2a किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो 1 + 2a इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब जाके डिवाइड होगा, आप देखें 2 + 2b किसके इक्वल लेंगे 0, तो 2 + 2b इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2, b is equal to -1, a भी find हो गया और b भी find हो गया। इसको एक बार फिर देखने के लिए a की value है 1 2 a, b हमने a square को किसके equal add करना 0 0 0 0, तो हम a square find करते हैं, a multiply by a, ये a की value इधर रखें, फिर दोबारा a, ये a की value इधर रखें, first row को first column से multiply करें 1 multiply by 1, दरमियान में plus 2 multiply by a, फिर first row second column 1 multiply by 2 प्लस 2 multiply by b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय a, सेकंड रो सेकंड कॉलम a मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b मल्टीप्लाई बाय b, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2a, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 2b, a मल्टीप्लाई बाय a प्लस b a, 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस b स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू इक्वल है a स्क्वायर, अब हमें जो a स्क्वायर गिवन है उसको भी लिख लेते हैं, व्हाट इट इज गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये भी a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, इसका मतलब दोनों a स्क्वायर हैं तो आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो राइट साइड आपस में इक्वल कर लें, 1 + 2a 2 + 2b a + b a 2a + b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो 1 + 2a की जगह आप देखें करस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, तो 1 + 2a किसके इक्वल होगा 0 के, और 2 + 2b भी किसके इक्वल होगा 0 के, तो यहां से a आ जाएगा, ये 2a इक्वल टू -1, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, a इज इक्वल टू -1/2, 2 + 2b इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो ये -1, अब देखें आगे हम a प्लस बी ए को 0 के इक्वल ले सकते हैं, 2a प्लस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, a भी फाइंड हो गया b भी फाइंड हो गया, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, a तो ये आपका पार्ट कंप्लीट हो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिस तरह एट द सेम 9 है, a इज इक्वल टू 1 - 1, ए बी और b इज इक्वल टू सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1, फाइंड a एंड b, दोबारा देखें a की वैल्यू थी 1 - 1, ए बी ए स्क्वायर थी 1 0 0 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दूसरी तरह सवाल है उसमें a स्क्वायर किस के इक्वल दिया था 0 0 0 0, यहां a स्क्वायर किस के इक्वल है आपके पास 1 0 0 1, वो नल मैट्रिक्स था, और ये कौन सा मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी 0 हो, 2 × 2 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स आपके पास आएगा, 2 × 2 का I2 और अगर 3 × 3 को तो I3, आप देखें सॉल्यूशन में a किसके इक्वल है 1 - 1 a b, अब a स्क्वायर हमने फाइंड करना है, a स्क्वायर क्या होता है a मल्टीप्लाई बाय a 1 - 1 a b इनटू 1 - 1 a b, a को a से मल्टीप्लाई करें, ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 किस से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय a, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई करके दरमियान में प्लस, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से प्ले होती है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय b, जब भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे फिर जब कॉलम चेंज करेंगे दरमियान में स्पेस देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर से ये रो है और इधर से ये कॉलम है,
ए मल्टीप्लाई बाई वन प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए, और सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम ए मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी, वन मल्टीप्लाई वन वन, माइनस वन इंटू ए माइनस ए, वन इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस बी, ए मल्टीप्लाई वन ए प्लस बी ए, ए मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर वन करते हैं। अब ये किसके इक्वल आ गए, ए स्क्वायर के। अब हम जो कि मैंने इसके बन जाए ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन, इसको इक्वेशन नंबर टू, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों कंपेयर करते हैं। ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट आपस में सेम होंगी, इक्वल होंगी, तो क्या बनेगा वन माइनस, इधर की राइट हैंड साइड वन माइनस ए माइनस वन माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, और इधर से राइट हैंड साइड क्या आपके पास इक्वल टू वन जीरो जीरो वन। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, दोनों इक्वल हैं तो 1 माइनस ए किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये 1 प्लस कहते जाके माइनस का, माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस को दोनों तरफ डिवाइड करें तो यार माइनस ए ए कितना देगा माइनस 0 0 ही होता है, ये माइनस हो जाएगा डिवाइड होगा 0 पे तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा ए इक्वल टू 0। अब दूसरी कीमत निकालनी है माइनस वन माइनस बी इक्वल टू जीरो, देखें वन माइनस ए किसके इक्वल है वन के, तो वन इधर प्लस के इधर आके माइनस का, वन माइनस वन जीरो, तो एक माइनस ए अगर जीरो है तो ए कितना आएगा जीरो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई जीरो, तो जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही होता है। अब यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, तो बी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें बी निकालना है तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करें तो बी की वैल्यू माइनस वन, ए जीरो आ गया और बी आपके पास कितना आ गया माइनस वन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, ए इज इक्वल टू वन माइनस वन टू जीरो थ्री वन एंड बी इज इक्वल टू टू थ्री जीरो वन टू माइनस वन, शो दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सॉल्यूशन, ए की वैल्यू कितनी है वन माइनस वन टू जीरो थ्री वन, जबकि बी की वैल्यू है टू थ्री जीरो वन टू माइनस वन। अब हम प्रूव क्या करना है, उसके लिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले हम क्या करेंगे ए और बी को प्लस करेंगे, जब प्लस हो जाएंगे फिर उसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो पहले ए और बी को प्लस करते हैं, वन माइनस वन टू जीरो थ्री वन प्लस टू थ्री जीरो वन टू माइनस, प्लस करें वन प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री टू प्लस जीरो जीरो प्लस वन थ्री प्लस टू वन माइनस वन, वन प्लस टू थ्री माइनस वन प्लस थ्री टू और टू वन फाइव और जीरो। अभी देखिए मुझे क्या फाइंड करना था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अभी मैंने सर क्या फाइंड कर लिया है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी, आप देखें ए प्लस बी का क्या लेना है ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको ट्रांसपोज का तरीका पता हो मैं रफ्ते समझाता हूँ, ए मैट्रिक्स आपके पास हो टू थ्री फोर फाइव, तो ए का ट्रांसपोज नाइन्थ में हमने सीखा था बाई इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स आर कॉलम इंटू रोज, यानी ये फर्स्ट रो है ऊपर टी लिखेंगे, टी मीन ट्रांसपोज, इसे बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए पार्ट टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और सेकंड रो को सेकंड
कॉलम, यानी रोज किस में बदल दें, कॉलम्स। या कॉलम देखें, ये पहला कॉलम था क्या बन गई, पहला रो, दूसरा कॉलम क्या बन गया, दूसरी रो। अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर डेफिनेशन आ जाए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप लिखेंगे अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हमें यहाँ जरूरत है ट्रांसपोज, उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन ही समझा दी। अब देखिए क्वेश्चन था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले मैंने ए प्लस बी निकाल लिया, अब इसका ट्रांसपोज देना है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज किस में बदल जाएगी, कॉलम में। पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम और दूसरी रो, दूसरा कॉलम 1 5 0, इसको हम नाम देते हैं क्या, नंबर 1। अब राइट हैंड साइड निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड ए प्लस बी, उसके लिए पहले किसका ट्रांसपोज लेना है, ए का, फिर किसका लेना है, बी का, और फिर दोनों को प्लस। तो ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, ये ए आपके पास ये। अब इसका ट्रांसपोज करने के लिए पहले रो क्या बनाएंगे, पहला कॉलम 1 -1 2, फिर दूसरी रो आपके पास आएगा 0 3 1। पहली रो को हमने क्या बना दिया, पहला कॉलम, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, वो ए का ट्रांसपोज बन गया। आप निकालेंगे बी का ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम 2 3 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब इन दोनों क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज भी आ गया, बी दोनों क्या है, प्लस। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की जगह 1 0 पहली रो है, -1 3 2 1, प्लस बी ट्रांसपोज 2 1 3 2 0 -1, दोनों क्रॉस करें। दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। जैसा कि ये पहले क्विज में मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी एडेड बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ ए विद द डैश एंट्रीज ऑफ बी विद द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी। आपने क्या टेक करना था, करस्पॉन्डिंग। तो अब करस्पॉन्डिंग मैंने बताया भी था कि 1 की करस्पॉन्डेंस 2 है, तो 1 + 2 0 + 1 - 1 + 3 3 + 2 2 + 0 और 1 - 1। तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 1 + 2 कितना होता है 3 1 2 5 2 0, ये कहेंगे नंबर 2। अब जरा 1 और 2 को देखते हैं, 3 1 फर्स्ट रो, इधर भी 3 1 फर्स्ट रो, 2 5 सेकंड रो, इधर भी 2 5 सेकंड रो, 2 0 थर्ड रो, इधर भी 2 0 थर्ड रो। तो यहां से क्या निकला है भाई, इक्वेशन 1 and 2, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारा ट्रू हो गया। इंतहा आसान के सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन देखिए, ए भी मैट्रिक्स दिए है, बी मैट्रिक्स दिए है, पहले क्या करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए और बी को प्लस करेंगे, जब ये प्लस हो जाएंगे उसका ट्रांसपोज देंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। फिर राइट साइड के लिए पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का लेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए इज इक्वल टू 1 1 3, उसके बाद 5 2 6 और -2 -1 और -3, फाइंड ए क्यू। ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे, 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो आज आखिरी क्वेश्चन जो हमारे लेक्चर के है, उसमें ए गिवन है, फर्स्ट रो है 1 1 3, सेकंड रो 5 2 6 और थर्ड रो -2 -1 -3, फाइंड क्या करना है, ए क्यू। अब उसके लिए ए आपके पास दोबारा लिखेंगे सॉल्यूशन में 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, पहले आप क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए, ए क्यूब निकालना है, ए को एस मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को दोबारा जब एस मल्टीप्लाई करें दोबारा ए क्यूब आ जाएगा, तो ए को एस मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 मल्टीप्लाई बाई 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम, पहले एंट्री को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं 1, जब मल्टीप्लाई होगा 1 से डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस, फिर सेकंड एंट्री के से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से इधर 1 है इधर 5, 1 के से मल्टीप्लाई होगा 5 से 1 5 का 5, फिर इधर से थर्ड एंट्री फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री थर्ड एंट्री है और फर्स्ट कॉलम की लास्ट एंट्री थर्ड एंट्री, दोनों को 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -6, पहले क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर ऐसे लिखा था 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए लिखा था कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट है यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्या आंसर था 1 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6, इस तरीके से फर्स्ट रो इधर से सेकंड कॉलम दरमियान में जगह आप स्पेस देंगे, जब भी कॉलम चेंज होगा स्पेस देंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करनी है तमाम कॉलम से, पहले फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम है यहाँ 3 है 4 होते 5 6, लेकिन हर दफा जब कॉलम आपके पास चेंज होता दरमियान में स्पेस देते कि हमारा कॉलम चेंज हो गया, यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आएगा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 3 मल्टीप्लाई बाई -1 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से 1 1 1 1 2 2 3 1 -3, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 3 तो 3 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9, अब फर्स्ट रो ने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई के दरमियान में स्पेस दी, फिर फर्स्ट रो ने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई के दरमियान में स्पेस, सेम प्रोसीजर हर रो के लिए करना, अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम, अब सेकंड रो लें ये 5 मल्टीप्लाई 1 5 2 मल्टीप्लाई 5 10 6 मल्टीप्लाई 2 12, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई 1 5 2 मल्टीप्लाई 2 4 6 मल्टीप्लाई -1 -6, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 15 2 6 12 और 6 3 18, दोबारा देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 5 2 5, दोबारा देखें कि पहली एंट्री है इधर से ये और इधर से ये यानी 5 मल्टीप्लाई 1, इधर से दूसरी एंट्री ये और इधर से ये 2 5 10, इधर से 6 6 6 और इधर से 2 6 2 12, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 1 5 2 2 4 6 1 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 15 2 6 12 6 3 18, अब लास्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट रो सेकंड कॉलम फिर लास्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये -2 1 -2 -1 5 -5 -9 3 2 6, -2 1 -2 -1 2 -9 3, फिर -2 3 -6 -1 6 -6 और -9 3 9, सही हो गया, अब 5 + 1 6 - 6 क्या आंसर आएगा 0, ठीक है ना, प्लस के 5 और 1 6 - 6 0, 2 + 1 3 - 3 इधर भी क्या आएगा 0, 6 + 3 9 और -9 क्या आंसर आएगा 0, इधर 10 + 5 15 - 12 3 आ जाएगा, 5 + 4 9 - 6 3, 15 + 12 27 - 18 9, -5 - 2 - 7 और +6 -1 -2 - 2 - 4 + 3 -1 -6 - 6 - 12 + 9 - 3, तो ये आपके पास अभी क्या मिला है ए स्क्वायर, मैंने डिटेल में समझा दिया, अब आपने क्या फाइंड करना है ए
क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की कीमत पुट करते हैं, ए स्क्वायर क्या निकाला हुआ है 0 0 0, फिर 3 3 9, फिर -1 -1 -3 मल्टीप्लाई बाई ए, एक अब दोबारा ए है तो ए की वैल्यू 1 1 3, उसके बाद 5 2 6 -2 -1 -3। ए क्यूब निकालना था, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली और ए की वैल्यू ए, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 0 5 0 0 2 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्यों ये 0 1 0 0 2 0 और 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 1 0 0 0 6 0 और 0। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में स्पेस देंगे, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिर दरमियान में, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 3 5 15 9 2 -18, क्यों 9 और -2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो -18, 3 1 3 3 2 6 -9, 3 3 9 3 6 18 9 3 27 -1 1 -1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 -1 -1 -5 -5 और -9 +3 2 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 -2 +3, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -3 -3 -6 +9, तो ये मेरे बच्चों आ जाएगा 0 0 0 15 plus 3 18 minus 18 0 6 plus 3 9 minus 9 0 18 plus 9 27 minus 27 0 6 है minus 5 और minus 1 minus 6 0 minus 2 minus 1 minus 3 0 minus 3 minus 6 minus 9 plus 9 0, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको मजीद अगर आगे लिखना चाहें ये, क्योंकि कौन सा मैट्रिक्स आ गया, गौर से देखें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये नल मैट्रिक्स या दूसरा नाम इसको होता है जीरो मैट्रिक्स, तो ये इसकी तमाम एंट्री जीरो आ गई है तो ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को हम जाहिर करते हैं ओ से, आपने किस जाहिर करना है ओ से, और साथ उसका ऑर्डर लिख देते हैं, कितनी रोज है 1 2 3 रोज है और कॉलम 1 2 और 3, 3 ग्राफ 3, या तो आंसर यहां तक लिखते हैं। अगर आगे लिखना है तो नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से जाहिर करते हैं, लेकिन कैपिटल ओ के साथ उसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ये होता है पहले रोज लिखते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई क्रॉस, मल्टीप्लाई नहीं बने क्रॉस 1 2 और 3, इसका ऑर्डर है 3 बाई 3, इसे बोलते हैं ऑर्डर इज 3 बाई 3, तो या यहाँ तक लिखें तब भी ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है उसका इख्तिताम हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और आप इसको आप नीट नोटबुक पर लिख लेंगे, नोट्स बनाते जाएँ, जैसे ही आपका चैप्टर 3 ख़त्म हो तो आपके चैप्टर 3 के मुकम्मल नोट्स बने होने चाहिए, ताकि जब भी आपके टेस्ट हों आगे और या पेपर हो तो आप एक दफ़ा नोट्सों से उसको आप पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके जो क्वेश्चन पेंडिंग है 11 से आगे वो करेंगे, तो आप इनको इनकी क्विज भी अच्छी तरह तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।